नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली शुक्ला। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी 62 विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज है और बीजेपी इस बार चुनाव में जीत का ख्वाब सजा रही है। 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को प्रचंड जनादेश मिला था। हालांकि इसके बाद इसके पहले 15 साल तक दिल्ली पर कांग्रेस ने राज किया और शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन अब दिल्ली के समीकरण काफी कुछ बदल चुके हैं और इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में दोनों ही दल देश के दिल में बसे एक क्षेत्रीय वोट बैंक साधने में जुटे हुए हैं, फिर चाहे बात पूर्वांचल की हो या फिर उत्तराखंड की। कारण भी साफ है कि दोनों क्षेत्रों का वोट बैंक अब दिल्ली में अपना दबदबा बना चुका है और कई सीटों पर तो ये निर्णायक भूमिका में है और आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। ऐसे में दिल्ली में उत्तराखंड और पूर्वांचल का दबदबा लगातार है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां यहां पर पूरी साधने की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में अगर बात करें 2019 में तो दिल्ली में करीब यहां पर 1,40,00,000 मतदाता थे। 2009 में बात करें तो कुल संख्या जो मतदाताओं की थी वो 1 करोड़ से ज्यादा थी। एक अनुमान के मुताबिक बढ़े हुए वोटर्स में करीब 65% पूर्वांचली थे। अब चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, यहाँ पर मेरे साथ हैं ब्रजकिशोर सिंह, पूर्वांचल नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। गणेश जोशी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता बीजेपी विधायक हैं, बहुत स्वागत है जोशी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रदीप वेदवाल हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी रहे और साहित्यकार भी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले गणेश जी, कैसे आप इस पूरे बयान को देख रहे हैं कि अब एक उत्तराखंडियों के लिए भी महोत्सव मनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार भी अब उत्तराखंड के जो वासी रहते हैं दिल्ली में वो भी एक बहुत बड़े वोटर्स हैं, बहुत बड़े यहाँ पर वोट बैंक साबित हो सकते हैं, इस ओर इशारा है दिल्ली सरकार का? देखिए, उत्तराखंड के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और अगर आप देखें देश की महत्वपूर्ण जितनी भी चाहे सुरक्षा की इकाई हो चाहे सेना की हो, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, जनरल बिपिन रावत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह ईमानदार सिंह की व्यक्ति हैं, एडमिरल जोशी अंडमान निकोबार के गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी सबसे बड़े आर्थिकी का जो राज्य है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और कोस्ट गार्ड के चीफ राजेंद्र सिंह हैं, सचिव प्रधानमंत्री खुलबे हैं और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि महत्वपूर्ण मानव संसाधन मंत्रालय उनके पास में है, रॉ के चीफ। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आज केजरीवाल जी को क्योंकि चुनाव सामने आ रहा है तो उत्तराखंडियों की याद आ रही है और उत्तराखंड के लोग समझते हैं कि उत्तराखंड का हित किसमें है, उत्तराखंडियों के सच्चे साथी कौन है। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ एक चुनावी वो है। हमारा तो अलग से उत्तराखंड दिल्ली के अंदर एक उत्तरांचल प्रकोष्ठ है, हर वर्ष उत्तराखंड महोत्सव हमारे लोग वहां पर करते हैं, तो इसका कोई फायदा केजरीवाल जी को होने वाला नहीं है। सर, क्या लगता है ये चुनाव का जब मौका है, जब ये प्रवासी वोटर्स की बात की जाती थी लेकिन अब ये प्रवासी वोटर्स ही काम आएंगे और इसीलिए ये एक और तरीका सोचने की कोशिश की गई है, या फिर वाकई चाहते हैं कि हाँ उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ किया जाए? देखिए, जहां तक आप प्रवासी की बात, ये उत्तराखंड वाले जो है प्रवासी नहीं है, उत्तराखंड के दिल्ली वासी हो गए हैं, उनकी पीढ़ियां वहां पर रह रही हैं और वो एक तो प्रवासी नहीं है, दिल्ली के वासी हैं और इनको ये मालूम है कि दिल्ली का हित किस पार्टी के साथ देने में है और उत्तराखंड को इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने आपको अभी नाम गिनाए थे जी कि ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर उत्तराखंड के लोग बैठे हो। तो ये लोग उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग दिल्ली में है उस बात को समझते हैं, इसलिए केजरीवाल जी कुछ भी कर लें, क्योंकि उनको जब लग रहा है कि उनकी सरकार जाने वाली है जी, आम आदमी उनसे त्रस्त है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम वो कर रहे हैं और इसका लाभ उनको कुछ मिलने वाला नहीं है।
बिल्कुल ब्रिजकिशोर जी, आप क्या कहेंगे इसे देखते हुए, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें और दिल्ली की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर 27 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, नहीं यहाँ पर कम से कम 40 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, उत्तराखंड वाले लोग रहते हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दिल्ली विधानसभा में। मैं पूर्वांचल के वोटरों की मैं बात करूं तो 70 विधानसभा दिल्ली में 27 विधानसभा ऐसा है जहां पे है पूर्वांचल वोटर अहम भूमिका निभाते हैं अपने मतदान के जरिए, और कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां आती है और पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने का काम करती है चुनावी मुद्दों में। तो मैं हर एक पार्टी से ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तक बहुत सारे दिल्ली में ऐसे कॉलोनी हैं जो अनऑथोराइज है विधानसभा के चुनाव में। अभी 2020 में विधानसभा चुनाव होगा, सारी पार्टियां आएंगी, आने के बाद जनसभा होगा, जनसभा में क्या बोलेंगे कि हम अगले सत्र में इसको ऑथोराइज कर देंगे। मैं पिछले 5 साल से इस दिल्ली को देख रहा हूं, बहुत सारे अनऑथोराइज कॉलोनियां अभी ऑथोराइज नहीं हुई। अभी एक माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का एक बयान आया था कि 500 रुपये में पूर्वांचल के लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि क्या 500 रुपये में वहाँ से आने के बाद क्या ये पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली नहीं है? क्या पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली पे हक नहीं है? अगर कोई सही ट्रीटमेंट अगर हमें दिल्ली में मिल रहा है तो हम बिहार और यूपी से क्यों नहीं आके यहाँ इलाज करा सकते? तो कहीं ना कहीं पूर्वा अब उसके बाद देखिए संजय सिंह जी का एक और देखा जाता है, जितने नेता हैं वो भी लगभग, चाहे मनोज तिवारी को ले लें बीजेपी की बात कर लें या फिर यहाँ की बात करें संजय सिंह की बात कर लें, वो भी अभी कई कार्यक्रमों में जब जाते हैं तो यहाँ पर पूर्वांचलियों के बारे में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगा है कि चाहे बीजेपी भी हो या फिर दिल्ली सरकार हो, इन्होंने वाकई पूर्वांचलियों के लिए यहाँ पर कुछ किया है? पूर्वांचलियों के लिए अगर मैं मानूँ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ हद तक काम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी आप देखेंगे कि जितना 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई, इसमें पूर्वांचलियों और उत्तराखंडी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि सारा वोट जो कांग्रेस का कन्वर्ट होके आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ और भाजपा को केवल 3 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, जिसमें पूर्वांचल और उत्तराखंडी मतदाताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा था और उसी के जरिए केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए दिल्ली के। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने जो भी वादे किए वो पूरा नहीं किए, पूर्वांचल या कहे तो अप्रवासी लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अगर धरातल पे आप जाके देखें तो कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि ये पूर्वांचल या बाहर के लोग, कोई भी प्रदेश के लोग, उनको केवल एक लुभाने का काम किया जाता है चुनाव में और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है उनके हाल पे। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, मैं प्रदीप जी से भी इस पर सवाल लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, फौरन लौटते हैं। के बाद स्वागत है आपका और हम चर्चा कर रहे हैं प्रदीप जी का, मैं रुक करती हूँ। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड वासियों को और पूर्वांचल वासियों को एक वोट बैंक समझा जाता है जैसे जैसे चुनाव आते हैं, अब ये जो आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है ये आयोजन से वाकई उत्तराखंड वासी खुश हो जाएंगे और केजरीवाल सरकार की तरफ उनका रुख होगा, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, जहाँ तक बात है आयोजन की तो सबसे पहले हम आयोजन के मूल में आते हैं कि ये आयोजन आज से पहले क्यों नहीं हुए। अगर हम लोक पर्व की बात करते हैं, क्योंकि लोक पर्व के 2 दिवसीय आयोजन में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले साल से 5 दिन का उत्तराखंड महोत्सव दिल्ली सरकार मनाएगी अगर हम सत्ता में आए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आयोजन पहले से होने चाहिए थे, और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के ज़माने में होने चाहिए थे, बीजेपी के ज़माने में, और सिर्फ उत्तराखंड के नहीं पूर्वांचल के भी होने चाहिए थे। होता क्या है कि प्रवास में जो लोग होते हैं उनको अपनी माटी की यादें आती हैं, अपने गांव की यादें आती हैं, अपने खेत खलियानों की यादें आती हैं, और फिर लोक पर्व जैसे आयोजन होता है। अगर आप लोक पर्व की ही बात करें तो संदीप शर्मा, ब्रिजमोहन उप्रेती बिट्टू या फिर पीएन शर्मा या पवन मेठानी, ये लोग मिल के अपने संसाधनों से ये आयोजन करते हैं। लेकिन अब जब भीड़ देखी, अब जब वोट देखा, तो उप मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि हम सत्ता में आएंगे तो सरकारी आयोजन होगा। ये भीड़ कितने वोटर में तब्दील होगी ये सवाल है। आयोजनों में भीड़ आती है लेकिन वोटर में कितने तब्दील होगी। उत्तराखंड की जहां तक बात करें हम, तो हम इतिहास में जाना चाहेंगे।
1993 में जो पहली विधानसभा थी जिसके मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना हुआ करते थे, उस विधानसभा में उत्तराखंड का मात्र एक विधायक मंडावली से मुरार सिंह पंवार हुए। उस टाइम बीजेपी ने जो भी टिकट दिए सिर्फ जीते एक, कांग्रेस ने बहुत कम टिकट दी। उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार आई, कांग्रेस ने जो टिकटें दी बहुत कम दी, कोई नहीं जीते। बीजेपी ने मुरार सिंह पंवार जी को फिर टिकट दी, वो हार गए। लेकिन अगर हम करावन नगर सीट की बात करें तो चार मरतबा लगातार जो है मोहन सिंह बिष्ट जीते। लेकिन फिर वही, कितनी सीटें बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उत्तराखंडियों को देती है, सबसे बड़ी बात यह है। जो आपका सवाल था कि ये आयोजन वोट में तब्दील हो पाएंगे, तो ये तभी तब्दील हो पाएंगे जबकि पूर्वांचल के लोगों को, उत्तरांचल के लोगों को जितनी टिकटें मिलती है। अब हम यहाँ पे एक बात और कहेंगे, एक नारा आता है दिल्ली में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूर्वांचल के लोगों की भागीदारी थोड़ा सा ज्यादा है, उनको ज्यादा टिकट मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के साथ ये अनदेखी क्यों? आयोजन का स्वागत करते हैं, दिल्ली में जो अकेडमी बनी है गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा की अकेडमी, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। चुनावी मुहाने पे सरकार है, चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी ने, ये हर कोई समझता है कि चुनाव के वक्त पे ये काम कर दिया कि भाई देखो हमने तो नोटिफिकेशन कर दिया है जी। लेकिन ये काम पहले कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम बीजेपी भी कर सकती थी, तो इसलिए कोई इसको श्रेय लेने की बात ना करे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने किया तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन घूम फिर के टिकट कितने लोगों को देते हैं, उत्तराखंड कितने लोगों को टिकट मिलता है, सवाल ये है। बिल्कुल गणेश जी, आप बताइए, यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है, प्रदीप जी उठा रहे हैं कि यहाँ पर टिकट तो मिलता नहीं है, वोट तो मांगने के लिए सब तैयार रहती हैं, और दूसरी बात ये भी है कि ये जो संस्कृति है इसे हम एक दो दिन लोक पर्व के रूप में तो मना लेते हैं, और अब जब वोट मांगने की बारी आई तो यहाँ से तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन ये तो सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अंदर पूर्वांचल प्रकोष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी का पर्वतीय प्रकोष्ठ है, और लगातार इन प्रकोष्ठों के माध्यम से समाज के बीच में हमारी पार्टी काम कर रही है। और अभी मैंने आपको प्रमुख नाम गिनाए हैं कि आज प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव खुलवे जी उत्तराखंड के हैं। अब इंतजार कीजिएगा, जब टिकट आएगा तो टिकट भी मिलेंगे, और उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का हित किस में है, और जहां तक उनको यह भी मालूम है कि उत्तराखंड राज्य का अगर निर्माण किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वाजपेयी जी ने किया है, वाजपेयी के प्रधानमंत्री नहीं, एहसान किसी ने नहीं किया, लंबा आंदोलन चला है, काफी कुर्बानियां दी हैं, और कांग्रेस, हमने मैंने एहसान की बात तो करी नहीं, मैंने ऐसा, ये इतिहास की बात है सर, त्याग और बलिदान की। देखिए देखिए, अगर आप बलिदान की बात कर रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, यहाँ का आम नागरिक उसमें था। मैं तो खुद आंदोलनकारी रहा हूँ, 27 दिन जेल में रहा हूँ, सेंट्रल जेल में, तो लेकिन सिर्फ आप चुनावी, आज तक केजरीवाल जी को उसकी याद क्यों नहीं आई? आप जब चुनाव जब सिर पर हैं, तब उनको पूर्वांचलों की याद भी आ रही है, उत्तराखंड की याद भी आ रही है, चुनावी बेला है, फिर पूरे यही हम कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो पूर्वांचल कार्यक्रम होगा, लोग देखने आएंगे, लेकिन जब वोट की बात आएगी सारे भटक जाते हैं। सारी पार्टियां ऐसे ही कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, या कोई भी लोकल पार्टी हो, वही हम कह रहे हैं कि चुनावी बेला है, चुनाव आने से पहले उनको उत्तराखंड के सारे प्रदेश के लोगों को याद करते हैं, साउथ इंडियन याद होते हैं, सारे लोग याद होंगे, और चुनाव जैसे ही खत्म होगा वो सारे लोग जहां है वहीं रहेंगे, और वो अपने घर पे रहेंगे। आप हाथ जोड़ के 5 सालों के लिए आप तो नेता बन जाते हैं, पूर्वांचलियों का वोट ले लेते हैं, उत्तराखंडी भाइयों का वोट ले लेते हैं, अन्य प्रदेशों के लोगों का वोट ले लेते हैं, लेकिन बाद में आपसे मिलने के लिए हमें ही आपसे हाथ जोड़ के जाना पड़ता है कि सर जी टाइम निकाल दो, क्योंकि उसके बाद ना पूर्वांचल याद आता है आपको, ना उत्तरांचल याद आता है, ना मिथिलांचल याद आता है, किसी को कोई याद नहीं आता है। इस बार बीजेपी ये ध्यान रखेगी क्या कि जब यहाँ पर टिकट वितरण की बारी आई तो उस वक्त भी सिर्फ वोट लेने की बात नहीं होगी, यहाँ पर उनको टिकट देना है, उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देगी इस बार बीजेपी? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के अंदर जो योग्य व्यक्ति होंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, पक्का उनको टिकट देगी। मैं लगातार दिल्ली, मेरा भी जाना बना रहता है,
और दिल्ली के हमारे नेताओं से बातचीत होती है। अब इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम चुनावी दृष्टिकोण से नहीं करती है जी। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी से करती है, और आने वाले समय निश्चित ही अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोगों को पार्टी के टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से विजयी होंगे। बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट में सभी दोनों ही मेहमानों से और ले लेती हूँ। किशोर जी, आप ब्रजकिशोर जी, आप और क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अभी 2020 में विधानसभा का चुनाव है। मैं एक मिनट आपसे लूंगा। 2017 के एमसीडी चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। एमसीडी चुनाव में 22 सीटें बीजेपी ने और जेडीयू ने लगभग 100 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि डे बाय डे कभी महाबल मिश्रा जी का कुछ बयान आता है, कभी मनोज तिवारी जी का इनके खिलाफ बयान आता है, कभी केजरीवाल जी बयान देते हैं पूर्वांचलियों के खिलाफ, तो कभी कोई बयान देता है। हमारे पूर्वांचल में बीजेपी से मनोज तिवारी जी हैं, कांग्रेस से महाबल मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी हैं, जेडीयू से दयानंद राय जी और प्रमोद कुमार यादव जी हैं। मैं सबसे आग्रह ये करता हूं कि अगर आप शीर्ष के नेताओं से आप कहें कि पूर्वांचल और उत्तरांचल मिथिलांचल सब सारे लोग यहाँ पे हैं, उनके वोट परसेंटेज आप देखें 70% है, तो आप उनकी भागीदारी उतना ही बनाइए टिकट दे के, ताकि वो सही ढंग से अपना सेवा कर सके जनता के लिए। ठीक है, मेरे पास समय इतना था, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और एक और राय यहाँ तक पार्टियों को पहुँचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भले ही आयोजन कर लिए जाएं, वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन जब उनकी भागीदारी की बारी आती है तो टिकट वितरण में उनका कहीं नाम नहीं होता है। देखना होगा कि पार्टी इस बार इस पर ध्यान देती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।